पिछले काफी समय से ऐसी खबरें चल रही थीं कि जवान में थलपति विजय का कैमियो तो कंफर्म है, क्योंकि एटली ने विजय के साथ 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। फिल्म के चेन्नई शेड्यूल के दौरान शाहरुख खान भी थलपति विजय से मिले थे, उनके घर डिनर पर गए थे। इसके अलावा एटली की बर्थडे पार्टी शाहरुख और विजय की फोटो बाहर आई थी। फिर खबर आई कि थलपति विजय नहीं, अल्लू अर्जुन जवान में कैमियो करेंगे। फिर पता चला कि पुष्पा 2 में बिजी होने की वजह से अल्लू अर्जुन ने जवान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद संजय दत्त को गेस्ट रोल में कास्ट किया गया, मगर अब पता चला है कि इन तीनों लोगों ने फिल्म में कैमियो किया, मगर फिल्म के अलग अलग वर्जन में। जवान के एक्शन डायरेक्टर ने गलाटा प्लस को एक इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने फिल्म में थलपति विजय के कैमियो की बात ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी है। संजय दत्त वाला मामला भी तकरीबन तय माना जा रहा है। अब देखना है कि अल्लू अर्जुन के कैमियो वाली बात में कितनी सच्चाई है, जो असलियत है वो कल अपने आप सबके सामने आ जाएगा। जवान की एडवांस बुकिंग बता रही है कि फिल्म भयंकर ओपनिंग पाने वाली है। हिंदी वर्जन की पहले दिन की कमाई 70 करोड़ रुपए के पार बताई जा रही है। जवान में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, प्रियमणि और सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। एटली डायरेक्टेड ये फिल्म 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। काफी ज्यादा हाइप क्रेज है और वहाँ पर भी टिकट बुकिंग। जवान में किंग खान हॉलीवुड लेवल के एक्शन करते नजर आने वाले हैं। फिल्म का क्रेज के हिसाब से ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। दोस्तों, जवान में हमें नयनतारा, शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति और सुनील ग्रोवर जैसे बेहतरीन एक्टर देखने को मिल रहे हैं। फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा है और डायरेक्टर भी बहुत बड़े मास एक्शन के एक्सपर्ट है। दोस्तों, पठान ने लगभग 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें 500 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में कमाए थे। लेकिन अब जवान को लेकर शाहरुख खान के फैंस 2000 करोड़ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना जवान कितना कलेक्शन करेगी।